माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना के बाद हम कुछ ऐसे मूल्यों की चर्चा करेंगे जो किसी पैमाने पर किसी रेखा को या किस पूरे क्षेत्रफल को किन्हीं समान भागों में बांटते हैं। ये भाग अपने आप में बराबर होते हैं या कहा जाए तो इनकी आवृत्तियाँ बराबर होती हैं। यानी हम आज विभाजन मूल्यों पर चर्चा करेंगे। विभाजन मूल्य क्या है? वे मूल्य जो किसी अक्ष किसी पैमाने पर जो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को समान समान भागों में बांटते हैं। इनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि ये मूल्य जो होते हैं ये इनमें जब विभाजन कर दिया जाता है तो प्रत्येक पदों में जो संख्याएं होती है वो समान होती है, यानी समान संख्या में होती हैं। दूसरी बात यह कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक कितने भी भाग हो सकते हैं जब इनका विभाजन इनके आधार पर किया जाता है। तो साथ ही प्रत्येक पद में जो आवृत्तियां होती हैं वे समान होती हैं, यानी बराबर होती हैं। मुख्यतः हम यहाँ पर जिन विभाजन मूल्यों की चर्चा करेंगे वे तीन विभाजन मूल्य हैं, चतुर्थक यानि क्वार्टाइल, दशमक यानि डेसाइल और शतमक यानि कि परसेंटाइल। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्वार्टाइल के बारे में। क्वार्टाइल यानि कि चतुर्थक क्या है? जैसे कि अभी हमने जाना कि ये जो चर है, जो बिंदु है, ये किसी पैमाने पर इस प्रकार मूल्यों को विभाजित करते हैं कि उनके आगे और पीछे सभी में समान मूल्य हों, या कहा जाए कि आवृत्तियां जो हैं वो समान हों। तो जब ये जो विभाजक बिंदु होते हैं ये इस पैमाने को तीन बिंदु के आधार पर चार भागों में विभक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर जो विभाजन मूल्य होता है वो चतुर्थक यानी कि क्वार्टाइल कहलाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण से देख रहे हैं, मान लीजिए इस पूरी सारणी को हमने चार भागों में विभाजित किया, लेकिन चार भागों में विभाजित करने के लिए हमने यहाँ पर तीन बिंदुओं का प्रयोग किया। इस तीन बिंदु को हम कहेंगे Q1 क्वार्टाइल 1, Q2 क्वार्टाइल 2 और Q3 क्वार्टाइल 3, यानी कि प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक। इस तरह से हम इन तीन बिंदुओं के आधार पर क्वार्टाइल के कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, जिन्हें हम Q1, Q2 और Q3 से प्रदर्शित करेंगे। अब बात आती है श्रेणियों की। तो क्या जिस तरह हमने समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक ज्ञात करने के लिए अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया, अलग अलग सूत्रों का प्रयोग किया, तो क्या चतुर्थक के लिए भी ऐसे ही कुछ सूत्र होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। चतुर्थक ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में समान सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सतत श्रेणी की प्रक्रिया कुछ अलग होती है। आइए सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में किन फॉर्मूलों के आधार पर और किन स्टेप्स में हम चतुर्थक की गणना करेंगे देखते हैं। व्यक्तिगत या खंडित श्रेणी में जब हम चतुर्थकों की गणना करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टाइल हमको निकालना होगा, उस समय हम फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q1 इक्वल टू N+1 अपॉन फोर्थ स्टेप। Q2 की कैलकुलेशन के लिए हम Q2 इक्वल टू 2N+1 अपॉन फोर्थ स्टेप। Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल की कैलकुलेशन के लिए हम 3N+1 अपॉन फोर्थ स्टेप, क्योंकि चार समान भागों में हमको बांटना है इसलिए हमने यहाँ पे सबको 4 से डिवाइड किया हुआ है। तो ये रही व्यक्तिगत या खंडित श्रेणी की बात। अगर हमको सतत श्रेणी में क्वार्टाइल की कैलकुलेशन करनी है तो क्या प्रक्रिया होगी? सतत श्रेणी में क्वार्टाइल की कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले Q1 निकालने के लिए N अपॉन फोर्थ स्टेप से हम Q1 निकालेंगे। फिर Q2 निकालने के लिए हम 2N अपॉन फोर्थ स्टेप, दूसरा पद हम निकाल लेंगे क्वार्टाइल का, और Q3 निकालने के लिए 3
एन अपॉन फोर्थ स्टेप। इस तरह से हम सतत श्रेणी में Q1, Q2, Q3 की ये प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमको क्वार्टाइल, क्योंकि क्लास के साथ वर्गांतर की श्रेणियों के साथ ज्ञात करना है, क्योंकि हम यहाँ पर बात सतत श्रेणी की कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, Qk इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू Qk माइनस C। यहाँ पर Qk की हम जो बात कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हम किस क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं, किस क्वार्टाइल को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर हम Q1 निकालना चाहते हैं तो वहाँ Qk की जगह हम Q1 लिखेंगे, अगर हम सेकेंड क्वार्टाइल निकालना चाहते हैं तो हम Q2 लिखेंगे, और अगर हम थर्ड क्वार्टाइल निकालना चाहते हैं तो हम Q3 लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर L1 जो होगा वो क्वार्टाइल क्लास जो होगी उसकी उच्च सीमा होगी, L2 जो होगा वो क्वार्टाइल क्लास की निम्न सीमा होगी, F जो होगा वो क्वार्टाइल क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी, और C जो होगा वो क्वार्टाइल क्लास से जस्ट एक ऊपर की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। तो आइए इस क्वार्टाइल को इन तीनों ही श्रेणियों में वास्तव में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में चतुर्थक के गणना के लिए प्रश्न इस प्रकार है। प्राप्तांक दिए गए हैं 7, 32, 39, 20, 15, 45, 35, 12, 8, 22, 25, 2, 26, 28, 42। इन आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर पदों की कुल संख्या यानी कि n इक्वल टू 15 है। अब हम व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर जब Q1 ज्ञात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा Q1 इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन फोर्थ स्टेप। हमने देखा n बराबर 15 है, यानी 15 प्लस 1 अपॉन फोर्थ स्टेप जो कि 12 आएगा। इसी तरह से Q2 ज्ञात कर लेंगे, Q2 इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन फोर्थ स्टेप, यानी 2 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन 4, जो कैलकुलेशन के बाद हमें 25 प्राप्त होगा। इस प्रकार Q3 निकालने के लिए हम 3n प्लस 1 अपॉन फोर्थ स्टेप फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे 3 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन फोर्थ स्टेप प्राप्त होगा, जिसके कैलकुलेशन के बाद हमें Q3 इक्वल टू 35 प्राप्त हो जाएगा। इस उदाहरण में जो आंकड़े दिए गए हैं उनके आधार पर n 20 आता है, और व्यक्तिगत श्रेणी के ये प्रश्न है, अगर हम इनमें n प्लस 1 अपॉन 4 करते हैं तो स्टेप जो है वो आएगा 5.25। ऐसे दशा में हम क्वार्टाइल के कैलकुलेशन के लिए जो स्टेप फॉलो करेंगे वो इस प्रकार होगा। क्योंकि हमारा स्टेप 5.25 आ रहा है, इसलिए हम स्टेप फॉलो करेंगे, पांचवा पद प्लस 0.25 इंटू छठवां पद माइनस पांचवा पद। पांचवा पद हम यहां पर देख रहे हैं कि 18 है, तो पांचवे पद के साथ हम 18 लिख देंगे प्लस 0.25 को वैसा ही लिखेंगे। छठवां पद हम यहां पर देख रहे हैं कि 19 है, और फिर पांचवा पद हम देख रहे हैं कि 18 है, तो यहाँ पर हम 19 माइनस 18 कर देंगे। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो हम देखते हैं कि हमको 18 प्लस 0.25 प्राप्त होगा, यानी कि Q1 का हमारा आंसर 18.25 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें Q3 ज्ञात करना होगा तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे 3n प्लस 1 अपॉन फोर्थ स्टेप।
3n plus 1 upon 4th step में हमें जो step मिलेगा वो 15.75 होगा। अब क्योंकि ये भी हमें point में मिला है तो इसे व्यवस्थित करने के लिए हम जो step follow करेंगे वो इस प्रकार होगा, 15th step plus 0.75 को हम अलग कर लेंगे और 15 जो है वो 16 और 15 के बीच का पद है, इसलिए 0.75 के साथ इनटू हम 16वां पद माइनस 15वां पद लिखेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारा 15वां पद है वो है 24 प्लस 0.75, 16वां पद है 30 माइनस 15वां पद है 24। इस तरह जब हम इसके कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 24 प्लस 4.50, तो यहां पर हमारा Q3 का आंसर आएगा 28.50। खंडित श्रेणी में क्वार्टाइल के कैलकुलेशन के लिए प्रश्न हमारे सामने है जिसमें पदों के आकार दिए हुए हैं 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति दी गई है 3, 7, 10, 5, 3, 2, 5। अब हमें क्योंकि पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, लेकिन ये पद पहले से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी हम इसके आधार पर सबसे पहले सारणी का प्रयोग अब कर लेंगे। पहले कॉलम में हमने इनके आकार को लिख लिया है, दूसरे कॉलम में हमने इनकी आवृत्तियों को लिख लिया है, तीसरे कॉलम में हम आवृत्ति के आधार पर संचयी आवृत्ति की कैलकुलेशन करेंगे जो कि पहले होगी 3, फिर 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 5 35, यानी कि n इक्वल टू 35 हमें मिल गया है। अब यहां पर हम क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 की कैलकुलेशन करेंगे। क्वार्टाइल 1 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, n क्योंकि हमने 35 फाइंड आउट किया है तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 35 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम जो कि हो जाएगा 36 अपॉन 4th आइटम और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 9th आइटम। अब अगर हम 9th आइटम को देखते हैं तो ये जो 9th आइटम है ये किस CF में सबसे पहले आता है ये हमको देखना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9th आइटम जो है वो CF 10 में सबसे पहले आता है, यानी कि इसके सामने का जो आकार होगा, इसके सामने का जो स्टेप होगा वो Q1 कहलाएगा। हम देख रहे हैं इसके सामने का जो आकार है वो 30 है तो यहाँ पर Q1 इक्वल टू 30 कहलाएगा। Q3 के कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 3n plus 1 upon 4th step 3 into 35 plus 1 upon 4 3 into 36 upon 4 108 upon 4th step जो कि हो जाएगा 27th आइटम। अब हम 27th आइटम को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि किस CF में वो हमको सबसे पहले शामिल मिलता है, तो हम देखते हैं कि 28 में वो हमको मिलता है, CF 28 में, तो 28 के सामने का जो आकार है यानी 28 के सामने का जो पद मूल्य है जो कि 75 है तो 75 जो है वो हमारा Q3 होगा। सतत श्रेणी में क्वार्टाइल की कैलकुलेशन के लिए प्रश्न हमारे सामने है जिसमें अंक वर्गीकृत श्रेणी में दिए गए हैं 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 और 60 टू 70 एंड 70 टू 80। छात्रों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 9, 6, 13, 27, 21, 12, 8। इसके आधार पर हम तालिका का निर्माण कर लेंगे। सबसे पहले हम पहले कॉलम में अंकों को जो इनकी वर्गीकृत श्रेणियां हैं उसमें लिखेंगे, उसके सामने फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे और इस फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम सीएफ की कैलकुलेशन कर लेंगे। सीएफ
फर्स्ट सीएफ होगा 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 13 32, 32 प्लस 27 59, 59 प्लस 21 80, 80 प्लस 12 92, 92 प्लस 8 100। तो हमने देखा n इक्वल टू यहाँ पर 100 हमें मिल गया है। अब क्योंकि सबसे पहले हमको स्मॉल q1 निकालना होगा, q1 से q3 की यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो q1 के लिए हम यहाँ पर n अपॉन फोर्थ आइटम फॉर्मूला यूज करेंगे। n क्योंकि 100 था तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन फोर्थ आइटम, जिसके कैलकुलेशन के बाद ये मिलेगा हमको 25th आइटम। अब 25th आइटम को हम देखते हैं कि ये किस CF में सबसे पहले हमको मिलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25th जो है वो CF 32 में शामिल है, यानी कि इसके सामने की जो क्लास है उसे हम क्वार्टाइल क्लास कहेंगे। तो इसके सामने की क्लास है 3240, यानी 3240 हमारी क्वार्टाइल क्लास होगी। इसके आधार पर ही अब हम फॉर्मूले यहाँ पर लगाएंगे। Q1 ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर Q1 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू Q1 माइनस C। यहाँ पर Q1 हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारी क्वार्टाइल क्लास 3240 है इसलिए हमारा L1 30 होगा, L2 40 होगा, F यानी कि क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 13 है, Q1 जो हमने ज्ञात कर लिया है, और C यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर की एक फ्रीक्वेंसी, हमने 32 जो फ्रीक्वेंसी क्वार्टाइल क्लास के लिए थी तो उससे जस्ट ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है 19 वो C होगी। इन अंकों को फॉर्मूला में हम रख देंगे तो Q1 इक्वल टू 30 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन 13 इंटू 25 माइनस 19, 30 प्लस 10 अपॉन 13 इंटू 6, 30 प्लस 60 अपॉन 13। तो हमारे यहां पर Q1 का आंसर आ जाएगा 34.62। बिल्कुल इसी तरह हम थर्ड क्वार्टाइल यानी कि Q3 निकाल लेंगे, जिसके लिए पहले हम स्मॉल Q3 से साइज या आइटम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे 3n अपॉन 4, यानी 3 इंटू 100 अपॉन 4, 300 अपॉन 4, यह आ जाएगा हमारा 75th आइटम। अब हम CF में देखते हैं कि ये 75th आइटम किस CF में हमको प्राप्त होता है। तो ये हमें प्राप्त होता है CF 80 में, यानी कि इसके सामने की जो क्लास है 50 to 60, ये हमारे लिए क्वार्टाइल क्लास कहलाएगी। इसके आधार पर हम फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर Q3 हमको ज्ञात करना है, क्योंकि क्वार्टाइल क्लास हमारी 50 टू 60 है, यानी कि L1 इक्वल टू 50, L2 इक्वल टू 60, F इक्वल टू 21, Q3 75 हमने ज्ञात कर लिया है, और C क्योंकि उसके ठीक एक पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि 59 होगी। जब हम इन संख्याओं को फॉर्मूले में रख लेंगे तो हमें प्राप्त होगा Q3 इक्वल टू 50 प्लस 60 माइनस 50 अपॉन 21 इंटू 75 माइनस 59, 50 प्लस 10 अपॉन 21 इंटू 60, 50 प्लस 160 अपॉन 21। यहां पर हमें क्वार्टाइल 3 का आंसर 57.62 प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि तीनों ही श्रेणियों में, जब व्यक्तिगत श्रेणी हो, खंडित श्रेणी हो या सतत श्रेणी हो, क्वार्टाइल के कैलकुलेशन हम बहुत आसानी से कुछ निश्चित सूत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। अब क्योंकि हम विभाजन मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण विभाजन मूल्य है वो है
डिसाइल यानी कि दशमक। जिस तरह हमने देखा कि क्वार्टाइल के अंतर्गत जो विभाजन बिंदु होते हैं वो एक पैमाने पर जो श्रेणियां हैं उनको तीन बिंदु के आधार पर चार समांतर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हम डिसाइल की बात करें तो यहाँ पर भी एक पैमाने पर 9 ऐसे बिंदु होंगे जो उस पूरे पैमाने को 10 समान भागों में विभाजित करेंगे। और यही जो विभाजक बिंदु हैं वहाँ पर हम D1 यानी डिसाइल 1 से लेके D9 यानी डिसाइल 9 तक की कैलकुलेशन करेंगे। एक उदाहरण से इसको और अच्छे से समझते हैं। इस पूरी सारणी को बिंदु D1 से लेकर बिंदु D9 तक 10 बराबर भागों में बांट दिया है, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 ये 9 ऐसे बिंदु हैं, विभाजक बिंदु हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। ये जो बिंदु हैं ये इस पूरे सारणी को 10 समान भागों में विभाजित कर देते हैं। और जैसे कि हमने क्वार्टाइल में देखा था कि उनकी आवृत्तियाँ जो होती हैं वो समान होती हैं, तो यहाँ पर भी इन 9 बिंदुओं के आधार पर जो 10 अलग अलग भाग बांटे गए हैं उनकी आवृत्तियाँ, उनमें संख्याएँ जो हैं वो समान होंगी। कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो डेसाइल की कैलकुलेशन भी क्वार्टाइल की तरह अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग प्रकार से की जाती है, क्योंकि डिसाइल हम डी से हम डिसाइल को प्रदर्शित करते हैं, डिसाइल की कैलकुलेशन हम D1 से लेकर D9 तक करते हैं। जिस तरह हमने क्वार्टाइल की कैलकुलेशन को Q1, Q2, Q3 तक किया, वैसे ही हम डिसाइल की कैलकुलेशन को D1 से लेकर D9 तक कर सकते हैं। डिसाइल की इस पूरी प्रक्रिया में किन किन फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग श्रेणियों में, अगर हम बात करें व्यक्तिगत श्रेणी की तो व्यक्तिगत श्रेणी में डिसाइल निकालने के लिए हम अगर हमें D1 निकालना है तो हम N+1/10, क्योंकि हमको 10 समान भागों में बांटना है, डिसाइल की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए हम N+1/10th स्टेप। अगर हमें D2 निकालना है तो 2N+1/10th स्टेप। अगर हमें D3 निकालना है तो 3N+1/10th स्टेप। इसी तरह व्यक्तिगत या खंडित श्रेणी में अगर हमें D9 निकालना है तो 9N+1/10th स्टेप। इस तरह से हम व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में डिसाइल की कैलकुलेशन करते जाएंगे। ये तो थे खंडित श्रेणी की या व्यक्तिगत श्रेणी की बात। अब अगर हमें डिसाइल की कैलकुलेशन सतत श्रेणी में करनी है तो हम कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? उस कंडीशन में हम D1 से D9 तक के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले अगर हमें D1 चाहिए तो हम D=N/10th स्टेप। यदि हमें D2 चाहिए तो D=2N/10th स्टेप। अगर हमें D3 यानी कि डिसाइल 3 चाहिए तो D=3N/10th स्टेप। इसी तरह 9 तक अगर हमको चाहिए तो हम D=9N/10th स्टेप। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हम लगाएंगे DK=L1+L2-L1/F(DK-C). यहाँ पर DK का अर्थ हम ये लगाएंगे कि हमको कौन सा डेसाइल फाइंड आउट करना है। अगर हमें D9 फाइंड आउट करना है तो हम D9 लिखेंगे, D4 हमें फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर हम D4 लिखेंगे। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे या आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आप D1 से लेके D9 तक के क्रम में कौन सा डेसाइल ज्ञात करना चाहते हैं। तो डिसाइल ज्ञात करने की इस पूरी प्रक्रिया को, चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी में हो, खंडित श्रेणी में हो या सतत श्रेणी में, आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। डिसाइल यानी कि दशमक की गणना व्यक्तिगत श्रेणी में करने के लिए प्रश्न है। 56, 67, 40,
20, 59, 10, 70, 25, 45 and 50। पहले हम इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। इन्हें हम सारणीबद्ध करके क्रम संख्या और चरों में अलग अलग कर लेंगे। यहां हमें D2 और D5 की गणना करनी है। D2 की गणना के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, D2 इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 10th स्टेप। D2 इक्वल टू 2 इंटू, क्योंकि n हमारा 10 है इसलिए 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 10th स्टेप, 2 इंटू 11 अपॉन 10 जो कि 2.2 आएगा। अब क्योंकि ये हमें स्टेप पॉइंट में प्राप्त हुआ है तो इसे हम व्यवस्थित कर लेंगे। सेकेंड स्टेप प्लस 0.2 इंटू थर्ड स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप हम देख रहे हैं यहाँ पर 20 है प्लस 0.2 इंटू थर्ड स्टेप है हमारा 25 माइनस सेकेंड स्टेप है 20, तो 25 माइनस 20 हो जाएगा। 20 प्लस 0.2 इंटू 5, 20 प्लस 1, तो D2 यहां पर 21 हमको प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम D5 कैलकुलेट कर लेंगे। D5 की कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, D5 इक्वल टू 5n प्लस 1 अपॉन 10, 5 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 10 जो कि कैलकुलेट होके हमें 5.5 प्राप्त हो जाएगा। अब क्योंकि 5.5 स्टेप पॉइंट में हमें प्राप्त हुआ है इसलिए हम फिर से इसे व्यवस्थित कर लेंगे। इसके लिए हम फिफ्थ स्टेप प्लस 0.5 इंटू सिक्स्थ स्टेप माइनस फिफ्थ स्टेप यूज करेंगे। फिफ्थ स्टेप यहां पर हम देख रहे हैं हमारा 45 है प्लस 0.5 इंटू सिक्स्थ स्टेप है हमारा 50 माइनस फिफ्थ स्टेप है 45, जिसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें D5 इक्वल टू 47.5 प्राप्त हो जाता है। दशमक की गणना खंडित श्रेणी में करने के लिए प्रश्न है, x और f के मान यहाँ पर दिए गए हैं। x यानी कि पदमूल 3, 8, 12, 17, 19, 23, 28 दिए गए हैं। फ्रीक्वेंसी 4, 6, 11, 19, 20, 26, 14। पदमूल्यों और आवृत्तियों को हम अलग अलग कॉलम में रख लेंगे और उसके बाद हम CF की कैलकुलेशन करेंगे। CF के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले 4 4 plus 6 10 10 plus 11 21 21 plus 19 40 40 plus 20 60 60 plus 26 86 86 plus 14 100, यानी कि फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 100 यहां हमने प्राप्त कर ली है। अब क्योंकि प्रश्न में चौथा दशमक ज्ञात करने को कहा गया है यानी D4 हमें यहां पर ज्ञात करना है। D4 इक्वल टू 4n प्लस 1 अपॉन 10 यानी कि D4 इक्वल टू 4 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 10th स्टेप, 400 4 अपॉन 10th स्टेप जो कि हो जाएगा 14.4। अब क्योंकि हमें D4 40.4 प्राप्त हुआ है तो इसे हम व्यवस्थित कर लेंगे। D4 इक्वल टू 40th स्टेप प्लस 0.4 इंटू 41 स्टेप माइनस 40 स्टेप। 40 स्टेप अगर हम देखते हैं CF में जो 40वां पद है उसके सामने का जो वेरिएबल है वो है 19 प्लस 0.4। 41वां जो पद है उसके लिए अगर हम सामने का वेरिएबल देखते हैं तो वो भी
60 के अंतर्गत ही आता है, वहां पर भी हम वेरिएबल 19 ही लेंगे और 40 स्टेप के लिए भी वेरिएबल हम 19 ही लेंगे। तो इस कंडीशन में हमें प्राप्त होगा 19 प्लस 0.4 यानी D4 इक्वल टू 19। डेसाइल के कैलकुलेशन सतत श्रेणी में करने के लिए हमारे सामने प्रश्न है, वर्ग 0 टू 3, 3 टू 6, 6 टू 12, 12 टू 20, 20 टू 24 आवृत्तियां दी गई हैं 5, 11, 26, 21, 7। वर्गों को और आवृत्तियों को हम सारणीबद्ध कर लेंगे। पहले कॉलम में हमने वर्ग लिख लिया, दूसरे कॉलम में आवृत्तियों को लिख लिया, तीसरे कॉलम में हम आवृत्तियों के आधार पर संचयी आवृत्ति यानी CF ज्ञात करेंगे, जो कि होगा 5, 5 प्लस 11 16, 16 प्लस 26 42, 42 प्लस 21 63, 63 प्लस 7 70। यहाँ हमने N इक्वल टू 70 प्राप्त कर लिया है। अब क्योंकि प्रश्न में हमें छठवा दशमक यानी 6 डेसाइल ज्ञात करना है, जिसके लिए हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे D6 इक्वल टू 6N अपॉन 10 यानी D6 इक्वल टू 6 इंटू 70 अपॉन 10 इज इक्वल टू 42। क्योंकि D6 42 स्टेप हमने प्राप्त कर लिया है और अगर हम CF में देखते हैं सामने के वर्ग 6 टू 12 में हमें प्राप्त होता है, यानी कि हमारी डेसाइल क्लास जो होगी वो 6 टू 12 होगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा L1 6 होगा, L2 12 होगा, F क्योंकि उसके सामने की फ्रिक्वेंसी होती है तो वो 26 है, C जो है उसके एक ऊपर की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 16 है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे D6 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू D6 माइनस C। D6 इक्वल टू 6 प्लस 12 माइनस 6 अपॉन 26 इंटू 42 माइनस 16। 6 प्लस 6 अपॉन 26 इंटू 26 जो कि D6 इक्वल टू 12 हमें आंसर प्राप्त होगा। तो विभाजन मूल्यों के अंतर्गत क्वार्टाइल यानी कि चतुर्थक और डेसाइल यानी कि दशमक के कैलकुलेशन के बाद अब जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण विभाजन मूल्य है शतमक यानी कि परसेंटाइल। जैसे कि नाम से स्पष्ट है परसेंटाइल यानी परसेंटेज के लिए इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह हमने क्वार्टाइल की कैलकुलेशन तीन स्टेप में की Q1, Q2 और Q3, डेसाइल की कैलकुलेशन हमने D1 से लेकर D9 तक की, बिल्कुल वैसे ही परसेंटाइल की कैलकुलेशन हम P1 से लेकर P99 तक कर सकते हैं। P99 तक इसलिए क्योंकि जैसे हमने क्वार्टाइल में देखा कि तीन बिंदु एक पैमाने पर उसे चार बराबर भागों में बांटते हैं, हमने डेसाइल में देखा कि 9 बिंदु एक पैमाने पर उस रेखा को 10 बराबर भागों में बांटते हैं, बिल्कुल वैसे ही परसेंटाइल के बारे में हम कह सकते हैं कि 99 बिंदु 99 पॉइंट ऐसे हैं जो उस पूरे पैमाने में जो संख्याएं अंकित हैं उन्हें वो 100 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो P1 से स्टार्ट होकर P99 तक हो सकती है। यहाँ पर हम व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग करेंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। व्यक्तिगत और खंडित दोनों ही श्रेणियों में परसेंटाइल की कैलकुलेशन के लिए हम अगर हमें P1 ज्ञात करना है तो N+1 अपॉन 100 स्टेप। अगर हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल P25 ज्ञात करना है तो 25 इंटू N+1 अपॉन 100 स्टेप। फॉर एग्जांपल हमें 65 परसेंटाइल ज्ञात करना है तो P=65 इंटू N+1 अपॉन 100 स्टेप। यानी 1 से लेकर 99 तक आपको जो भी परसेंटाइल ज्ञात करना है उसके लिए आप
जिस परसेंटाइल की कैलकुलेशन आपको करनी है वो आप n प्लस 1 के सामने रख देंगे। ये तो थी बात व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी की। अब अगर सतत श्रेणी में परसेंटाइल की कैलकुलेशन करनी हो तो सबसे पहले हम अगर रिक्वायरमेंट या फिर आप जो ज्ञात करना चाहते हैं पी वन से लेके 99 तक सबसे पहले आप ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको चाहिए पी वन तो आप पी इक्वल टू एन अपॉन 100 स्टेप। अगर आपको चाहिए पी 25 तो पी इक्वल टू 25 एन अपॉन 100 स्टेप। अगर आपको चाहिए पी 99 तो आप लिख सकते हैं पी इक्वल टू 99 इंटू एन अपॉन 100 स्टेप। स्टेप्स को फाइंड आउट कर लेने के बाद जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा पी के इक्वल टू एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन अपॉन एफ इंटू पी के माइनस सी। यहाँ पर भी हम पी के का प्रयोग डिपेंड करता है कि हमको कौन सा परसेंटाइल फाइंड आउट करना है उसके लिए हमने किया है। अगर हमको पी 99 करना है तो हम पी के की जगह पी 99 वहाँ पर लिखेंगे। एल वन की अगर हम बात करें तो वो जो हमारा परसेंटाइल वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा होगी। एल टू हमारे परसेंटाइल वर्ग की उच्च सीमा होगी। एफ जो होगा यहाँ पे वो परसेंटाइल वर्ग की फ्रिक्वेंसी होगी। और सी जो हम लेंगे वो परसेंटाइल जो क्लास हमारा होगा उससे जस्ट एक पहले की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। तो व्यक्तिगत खंडित और सतत श्रेणियों में परसेंटाइल की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में शतमक यानी कि परसेंटाइल ज्ञात करने के लिए हमारे पास प्रश्न है 33, 22, 55, 47, 21, 68, 49, 40, 33, 38, 42, 48, 52, 37। इन हल करने से पहले हम इन सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे और सारणीबद्ध कर लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्रम संख्या 14 प्राप्त होती है। हमारी जो फ्रिक्वेंसी है टोटल n है वो 14 है। प्रश्न में हमें 36.36% ज्ञात करना है जिसका फॉर्मूला होगा P36 इक्वल टू 36 n अपॉन 100। P36 इक्वल टू 36 इंटू 14 अपॉन 100 इज इक्वल टू 5.4। अब क्योंकि हमें 5.4 स्टेप प्राप्त हो रहा है इसलिए हम इसे व्यवस्थित कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप प्लस 0.04 इंटू सिक्स स्टेप माइनस फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्रम संख्या में हम देख रहे हैं 37 है प्लस 0.04 इंटू सिक्स स्टेप हम क्रम संख्या में देख रहे हैं 38 है माइनस फिफ्थ स्टेप 37 है जिसे कैलकुलेट करने के बाद हमें P36 इक्वल टू 37.04 प्राप्त होगा। परसेंटाइल के कैलकुलेशन खंडित श्रेणी में करने के लिए हमारे सामने प्रश्न है यहाँ पर जूतों का आकार और जूतों की संख्या दी गई है। इन्हें हम सारणीबद्ध कर लेंगे। जूतों का आकार यानी कि पदमूल्य इसे हम पहले कॉलम में लिख लेते हैं। आवृत्तियां यानी कि जूतों की संख्या फ्रिक्वेंसी को हम दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं। तीसरे कॉलम में हम संचयी आवृत्ति यानी कि CF ज्ञात करेंगे 5, 5 plus 8, 13, 13 plus 12, 25, 25 plus 25, 50, 50 plus 26, 76, 76 plus 24, 100, 100 plus 12, 112, 112 plus 5, 117, 117 plus 2, 119।
अब क्योंकि n इक्वल टू हमें 119 यहाँ मिल गया है, अब हम P63 की कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमें P63 और P80 की कैलकुलेशन करनी है। P63 की कैलकुलेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होगा P63 इक्वल टू 63 n प्लस 1 अपॉन 100। P63 इक्वल टू 63 इंटू 119 प्लस 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 75.6 हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो स्टेप है P63 का वो हमें पॉइंट में मिला है, अब हम इसे व्यवस्थित करेंगे। तो P63 इक्वल टू 75.6 स्टेप को हम 75th स्टेप प्लस 0.6 इंटू 76 स्टेप माइनस 75th स्टेप लिख सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि 75 स्टेप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 76 के अंतर्गत आता है, जिसमें आकार है 8 प्लस 0.6। 76 स्टेप के लिए अगर हम जूतों का आकार देखते हैं तो ये हमको मिलता है यहाँ पर 9, 75th स्टेप के लिए 8। इसकी कैलकुलेशन करने पर 8 प्लस 0.6 इंटू 1 यानी कि 8.6 हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से हम P80 ज्ञात कर लेंगे। P80 इक्वल टू 80 n प्लस 1 अपॉन 100। P80 इक्वल टू 80 इंटू 119 प्लस 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 96 स्टेप। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि 96 स्टेप 100 में सबसे पहले आता है, तो 100 के सामने का जो पदमूल्य यानी कि जूतों का आकार है यानी कि 9, वो P80 यानी परसेंटाइल 80 कहलाएगा। परसेंटाइल के कैलकुलेशन सतत श्रेणी में करने के लिए प्रश्न है। प्राप्तांक दिए गए हैं 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 और 70 टू 80। इनके सामने हम इनकी आवृत्तियों को लिख लेंगे 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10 एंड 10। इसके आधार पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कैलकुलेशन करेंगे। 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 28 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 10 100। यहां हमें n इक्वल टू 100 प्राप्त हो गया है। प्रश्न में हमें P70 निकालना है, तो P70 के लिए हम पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। P70 इक्वल टू 70n अपॉन 100। P70 इक्वल टू 70 इंटू 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 70, यानी 70th स्टेप हमको प्राप्त हुआ है। अगर हम संचयी आवृत्ति में देखते हैं तो 70th स्टेप 80CF के अंतर्गत सबसे पहले आता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटाइल क्लास जो है वो 50 to 60 होगी, और इस आधार पर L1 इक्वल टू 50, L2 इक्वल टू 60, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 20, P70 हमने ज्ञात कर ही लिया है, और C यानी कि उसके जस्ट पहले की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि 60 होगी। P70 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू P70 माइनस C। P70 इक्वल टू 50 प्लस 60 माइनस 50 अपॉन 20 इंटू 70 माइनस 60। 50 प्लस 10 अपॉन 20 इंटू 10, 50 प्लस 5, P70 इक्वल टू 55 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार व्यक्तिगत, खंडित और सतत श्रेणी में हमने परसेंटाइल की कैलकुलेशन की।
अब तक हमने देखा कि ये जो विभाजन मूल्य होते हैं, उन विभाजन मूल्यों में जो मुख्य मूल्य है जिन्हें हम ज्ञात करते हैं वो है क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल। अलग अलग श्रेणियों में इनकी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। अगर हम इनके गुण दोषों की बात करें तो लगभग, चाहे हम क्वार्टाइल की बात करें, डेसाइल की या परसेंटाइल की, जो माध्य, माध्यिका या बहुलक के जो सामान्य गुण दोष होते हैं लगभग वही गुण दोष इनके अंतर्गत भी पाए जाते हैं। तो विभाजन मूल्यों के अंतर्गत हमने क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल की गणना की। अब आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे इन्हीं से जुड़ा हुआ इनका, इनके जो आगे की कड़ी है यानी कि परिक्षेपण, क्या है परिक्षेपण और कैसे हम इसकी माप करते हैं।